6 out of 80 तुमको मिलने वाले हैं जो कि देख। तो यार तुम में से कुछ बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे थे कि भैया वी आर नॉट दैट मच गुड इन मैथमेटिक्स एंड भैया कैलकुलस पार्ट बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो अगर तुम उस कैटेगरी के बच्चे हो, ठीक है, जो कि मैथ्स के अंदर बहुत बढ़िया नंबर नहीं लेके आ रहे हो या फिर आप आए हो आज तक अपनी जिंदगी में, ठीक है, तो ये वाला वीडियो देखो बेटा, तुम्हारा काम का आने वाले। ठीक है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू आकाश। अच्छा देखो, हम ऑलरेडी लास्ट मिनट सजेशंस के अंदर हम सारे चीज को लेकर बात तो कर दिए थे, ठीक है, बट हमने यार ये नहीं बोले है बिकॉज बहुत सारे बच्चे जिसका मैथमेटिक्स भले ही दे आर गुड स्टूडेंट बट मैथ्स उनकी उतनी अच्छे से बनती नहीं है, बनता नहीं। फॉर दैट रीजन ना मैं कुछ सेग्रीगेटेड सम्स लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसके अंदर अगर तुम इतना यार करके जाओगे ना, चाहे तुम्हारा कैलकुलस बिकॉज अगर कैलकुलस 32 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 32 मार्क्स का कैलकुलस का पार्ट हम लोग एक्सपेक्ट करने वाले हैं, नहीं यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं यार ये आएगा ही आएगा। तो अगर 32 मार्क्स का तुमको रिक्स उठानी है तो भैया कितना और रिक्स उठा सकते हैं, राइट। देखो यार, मैं अगर ये वाला वीडियो देखे कोई बोलेगा कि भैया आप तो बड़े बड़े मार्क्स को लेकर बात करते हो, यार बड़े बड़े मार्क्स को लेकर मैं बात करता हूँ ऑब्वियसली, जो कि यार इन रियलिटी पॉसिबल है, बट ये मैथमेटिक्स है ना यार, इसके अंदर कुछ बच्चे के नॉट बिकॉज मेरा वीडियोज जो है ना यार बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, देखते हैं रेदर, सो फॉर देम, ठीक है, इफ यू आर नॉट दैट मच गुड, ठीक है, सुनो यार क्या करनी। देखो मैं पहले बोलूंगा ना, ये एमसीक्यूज तुम बना रहे हो या फिर एमसीक्यूज पता नहीं तुम लोग हॉल कलेक्शन करते हो कि नहीं, आई डोंट नो, अगर करते हो तो बोलना नीचे, ठीक है, अगर नहीं करते हो तो ऑन दैट केस ना बेटा स्टार्ट करना है कि रिलेशन एंड फंक्शन एंड इसके साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, ये जो हमने कुछ चीज गोल करके रखी है, मार्क करके रखी है, ये जो सम्स है, ये अगर तुम अभी 3-4 दिन हाथ में है, ठीक है, इफ यू प्रैक्टिस 2-3 डेज, ठीक है, यू कैन मेक दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसका प्रूविंग अलॉन्ग विद दिस प्रोबेबिलिटी व्हिच इज इजियर फॉर यू ऑल, राइट। मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स आइदर ए एडजेसेंट और दैट मेथड, द मेथड दैट यू कम इन योर मैथमेटिक्स या फिर इन योर मैट्रिक्स रहता, मैं वो बोल दूंगा, ठीक है, डिटरमिनेंट के साथ मैट्रिक्स, ठीक है, वो भी यार इजी रहता है एज कंपेयर टू जो लोग बना नहीं पाते हो यार हमारे इंटीग्रल या फिर कैलकुलस या फिर कंटिन्यूटी, ठीक है, या फिर डिफरेंशियबिलिटी या फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो किसका किसका प्रॉब्लम है कमेंट में बेटा बताओ, मैं क्योंकि तुम लोग अगर बताओगे नहीं ना बेटा, जैसे कि इंस्टाग्राम में डीएम करते हो मैं देखता हूँ उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, इधर कमेंट करो मेरे को जल्दी रिस्पॉन्स, तुमको रिस्पॉन्स वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यार हमको क्या करनी है कि भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बहुत अच्छे से बनानी है बिकॉज एक भी सम अगर इसका फॉर्मूला एंड लास्ट 10 साल का पेपर जो हम दे के रखे हैं बेटा तुमको प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज के अंदर, अगर ये सीरीज कोई बच्चा करके जाएगा ना, ठीक है, तो एटलीस्ट इसके अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सारा लाइव क्लास है, मैथ्स का भी है, तुम्हारा टेस्ट पेपर भी है, एमसीक्यूज भी है, ठीक है, अगर ये बच्चा कोई करके जाएगा ना इसके अंदर जितना सारा सम्स है, थोड़ा प्रैक्टिस देख देख के 2-3 में बना लोगे, मेरा बात सुनो बेटा, देख देख के, जो बहुत उतने अच्छे नहीं हो मैथमेटिक्स के अंदर, देख देख के 2-3 बार बना लोगे, चाहे मैट्रिक्स का, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, या फिर रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि फिर भी एक ईजी चैप्टर माने जाते हैं, जिसको नहीं आता है नहीं आता, बट जिसको आता है ना ये भी तुम बना सकते हो, ट्रस्ट मी बेटा, ये भी ईजी रहते हैं एज कम्पेयर टू तुम्हारा कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस। अच्छा भैया कैलकुलस से भी यार क्या क्या चीजें बना सकते हैं, राइट, कैलकुलस से मैं बोलूंगा इफ यू आर गोइंग थ्रू यू कैन जस्ट गो विथ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि यार इजी रहता है, d2y/dx2 या फिर वो जो सम्स है ना मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर, डिफरेंट टेस्ट सीरीज नहीं यार, इस प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज के अंदर, जहां हम सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। मेरे इधर ये टारगेट नहीं है कि तुम्हें यार 100 में 100 लेके आओ मैथ्स में, मेरा ये टारगेट है कि तुम एक अच्छा नंबर लेके आओ, चाहे 60-70 जो भी है, ठीक है, अगर तुमको 60 मिल रहा है ना इधर, ठीक है, और 20 मार्क्स तुम्हारा अगर प्रोजेक्ट में जुड़ जाता है तो 80 नंबर बहुत एक बढ़िया नंबर होता है, कोई भी कॉलेज तुमको मिल जाएगा, बीटेक का कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, अगर तुम 55 लेके आ रहे हो आउट ऑफ 80 या फिर 65 लेके आ रहे हो या फिर 55 भी लेके आ रहे हो, फिर भी यार आईआईटी के लिए तुमको 75 नंबर चाहिए पीसीएम में, हम फिजिक्स में केमिस्ट्री में बेटर नंबर उठा लेंगे, डोंट वरी, बट मैथ्स हमको यार जिसका उतना जोर नहीं है, मैथ्स हमको थोड़ा खींचना तो पड़ेगा बेटा, एटलीस्ट 50 के आप, जो उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ 55 के आप, राइट, तो उसके लिए बेटा हम ये बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंटिन्यूटी ये वाला देख सकते हो बिकॉज इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑप्शन का आंसर तुमको रहेगा, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर कौन सा आएगा, रोल्स या फिर लैग्रेंज या फिर भैया आप तो बोल देते हो, क्या बोल देंगे, हाँ मैं इसके ऊपर बोल दूंगा, एंड प्रैक्टिस, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ना बेटा प्रैक्टिस करनी, यू हैव टू प्रैक्टिस, इफ यू आर अनेबल टू प्रैक्टिस और इफ यू कांट, इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू विल नॉट एबल टू मेक अ सिंगल सम, ट्रस्ट मी, अभी भी टाइम है, यू कैन प्रैक्टिस विल यू गेट, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी का 4 मार्क्स का भी एक आने वाला है, एक 6 मार्क्स का आने वाला है, कुल मिलाकर बेटा 10 मार्क्स इज देयर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का सम बेटा बहुत ईजी है, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ तुम 10 मार्क्स बना ही लोगे, ठीक है, 10 मार्क्स सब कोई बना सकता है,
अच्छा अगर तुम टेस्ट सीरीज जो मैं लॉन्च कर दिया, ठीक है, आईएससी मैथमेटिक्स कवर कर रहा हूँ, ठीक है, जाके चेक करना, नीचे लिंक है, वो होगा अगर हो गया तो तुमको यार 10 मार्क्स इधर से भी तुम मिल सकता है, बिकॉज मैं तुम लोग को करने वाला हूँ लाइव रिविजन अगर तुम चाहते हो तो। अगेन बोल रहा हूँ, कमेंट करना, जैसे कि लास्ट लेट पेचर में करवाए थे, राइट। अच्छा तो 10-10 बेटा 20 मार्क्स तो ऐसे ही यार कर लेते हैं, ठीक है, इधर से बेटा हम 2 मार्क्स अगर हम लेके आते हैं, ठीक है, इधर से हम 2 मार्क्स लेके आते हैं रिलेशन फंक्शन, तो 4 मार्क्स हो गया रिलेशन फंक्शन से, तो हम इधर 4 जोड़ कर देंगे, राइट। बात समझ पा रहे हो बेटा, राइट। अच्छा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2 प्रोफिया का 4-4 8 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स हमको मिल रहा होगा, राइट। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बेटा ये ना 4 मार्क्स का रहेगा, ये भी तुम बना सकते हो, ट्रस्ट में बेटा ये भी यार इजी रहता है अगर तुम उसका प्रैक्टिस करोगे, ये तुम बना सकते हो, चाहे डेफिनेट इंटीग्रल चाहे इंडेफिनेट इंटीग्रल में कोई एक बेटा तुम बना सकते हो, बिकॉज एक कर जाओ, आइदर डेफिनेट कर जाओ या फिर इनडेफिनेट कर जाओ, कुछ ना कुछ तो एक कर जाओ, एक बना सकते हो बेटा, दोनों बनाने का कोई जरूरत नहीं, एक बना सकते हो, लास्ट मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आफ्टर दैट बेटा एंड मैट्रिक्स का तुम 6 नंबर का एक सम बना लोगे, ठीक है, इसके साथ बेटा अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड कंटिन्यूटी में कोई एक तुम बनाओगे एंड ये 6 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो अगर हम 6 मार्क्स छोड़ रहे हैं इधर से, मान लो हम 6 मार्क्स छोड़ रहे हैं, चलो भैया बनाना नहीं आता मान रहे, ठीक है। अच्छा हम इधर से अगर 6 मार्क्स छोड़ रहे हैं, हम अगर भैया इधर से 4 मार्क्स छोड़ रहे हैं, 6-4 10 10, इसके साथ बेटा इधर से 2 12 12 हो गया, 12 12 12, और जब मान लो 2 14, तो अगर हम 14 मार्क्स 65 मार्क्स के अंदर छोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो मैं मान रहा हूँ बेटा 65 नंबर के अंदर, ठीक है, तुम अगर 51 नंबर भी करके आते हो ना, ठीक है, एंड अगर सेक्शन सी तुम मार रहे हो बेटा, तो अगर 15 में 15 उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी तुम्हारा नंबर बेटा बहुत एक अच्छा नंबर जाके 6 out of 80 तुमको मिलने वाले हैं, जो कि एक बढ़िया नंबर होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर अगर तुम छोड़ रहे हो वो भी, तो समझ पा रहे हो बेटा, इसलिए बोल रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज के अंदर आ जाओ, एंड टेस्ट सीरीज अगर रिलीज हो गया तो तुमको नीचे लिंक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना रहा हूं, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा। अच्छा भैया 5 मार्क्स इधर से भी तुम कुछ ना कुछ बनाएंगे, चलो भाई तुम 3 बनाओगे, ठीक है, तुम 3 बनाओगे, ठीक है, फिर भी यार हम देख सकते हैं कि 69 out of 80 आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी तुम बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है, 65 से लेके 69 तक हम स्कोर कर रहे होंगे, तो समझ पा रहे हो बेटा कौन कितना इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, एंड अगर नया वीडियो चाहते हो बेटा और मैथमेटिक्स का, तो कमेंट करो, इसको यार 2000 नहीं है 1500 लाइक तो पहुंचाना है, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।